हमारा टॉपिक है सर्जिकल अप्रोचेस टू मैंडिबुलर कंडाइल और उसकी नेक। तो अब हमको देखना है कि हम मैंडिबल के कंडाइल और उसकी नेक तक सर्जिकली कैसे पहुंच सकते हैं, या कैसे हम सर्जिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं, या कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। सबसे पहले सर्जिकल एक्सेस टीएम जॉइंट के लिए एक एग्जैक्टिंग प्रोसीजर है। इसमें टेक्निकल स्किल्स और थरो नॉलेज चाहिए, जो एनाटॉमिकल एरिया है उसका। तो टीएमजे जो है वो मेन ट्रंक जो है फेशियल नर्व के उसके बहुत पास में है, साथ में उसकी ब्रांचेस जो फेशियल और टेम्पोरल एरियाज़ में है उसमें उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से भी है, और अबंडेंट वेस्कुलर सप्लाई, क्योंकि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पास में है इसलिए उसको वेस्कुलर सप्लाई अबंडेंट है। बहुत सारी अप्रोचेस होती है टीएमजे की, तो जो हम क्लिनिकली अप्रोच वो करते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑरिकुलरली हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले हम कान के पीछे एक एक्सीजन करेंगे जो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पिन्ना के पास होगा, जो वहाँ पे जो क्रीज, वहाँ पे जो टर्निंग है वहाँ पर, और फिर वहाँ पे से हम एक्सटेंड करेंगे टू द टिप ऑफ मेस्टॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें फिर क्या है, जो हाईली कॉस्मेटिक इंसिजन है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखना है। मेन जो है इसमें क्या है, स्मॉल सर्जिकल एक्सपोजर होता है जिसमें पुअर एक्सेस और विजिबिलिटी होती है। अब स्टेनोसिस देखें तो एक्सेस एंड विजिबिलिटी, स्टेनोसिस हो रहा है, एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल या कार्टिलेजिनस फेमवर्क रहेगा या फिर दोनों। अब पैरेस्थीसिया देखा जाए तो ये देखो कैसे हम इसमें अप्रोच कर रहे हैं, ये पूरा पिन्ना का जो क्रीज़ है वहाँ से हम जा रहे हैं पूरा, ये देखिए। अब पहले हम पढ़ते हैं फिर इसके डायग्राम को हम देखते हैं। तो अब टेम्पररी या मैंडिबुलर या फिर एक्सटर्नल पिन्ना की डिफॉर्मिटी में अब एंड ऑरल अप्रोच, इसमें क्या होगा, जो शॉर्ट फेशियल स्किन इंसिजन है जिसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंशन कहाँ पर है, एक्सटर्नल ऑर्टरी मीटस ईएएम में। अब जो इंसिजन है वो कहाँ पर होगा, स्टार्ट जाइगोमेटिक आँख के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसको डाउनवर्ड्स ले जाएंगे नीचे की तरफ, फिर बैकवर्ड्स किस साइड, कार्टिलेजिनस इंटर कार्टिलेजिनस क्लेफ्ट में जाइगोमेटिक आर्क, फिर इंटर कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसके बाद between the tragus and the helix, and then extend inwards along of the auditory meatus for approximately 1 centimeter. अब advantages क्या है ये excellent cosmetics के, हाँ मतलब इसमें ये जो अप्रोच है इसमें हमारा कॉस्मेटिक डैमेज बहुत कम होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि लिमिटेड एक्सेस और पॉसिबिलिटी है मेटस की स्टेनोसिस और कॉन्ड्राइटिस की। अब जो आपका सब मैंडिबुलर या अप्रोच है उसमें क्या होगा, इंसिजन में 1 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल ये एक्सटेंड करेगा, फिर आगे को पैरेलल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबुलर और बैकवर्ड स्लाइटली बिहाइंड द एंगल। अब जो अप्रोच है नेक की टू कॉन्डाइल एंड रैमस, ये कैसे होगी, एक शार्प इंसिजन होगा pterygomasseteric sling और रिफ्लेक्टिंग मैसेटर मसल से, जो लिटरली कहाँ पर होगा, नेक को एक्सपोज करेगा कॉन्डाइल की, और जो सिग्मोइड नॉच है उसे। अब जो पुअर एक्सेस है कहाँ पर, टू कॉन्डाइलर हेड रीजन, प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग द आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द हेड एंड मेनिस्कस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय दिस अप्रोच। अब वेरिएशंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बेसिक इंसिजन्स पॉपुलराइज्ड बाय डिंगमैन। अब जो पोस्ट ट्रॉमल अप्रोच है, मतलब हाइंड वाले पार्ट से जो हो रहा है, ये देखिए ये जो हाइंड वाला पार्ट है, अब ये सर्जरीज जिसमें कॉन्डाइलर नेक और रैमस एरिया इन्वॉल्व है उसमें हम करेंगे। हाईली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, एक्सेलेंट विजिबिलिटी और एसेसिबिलिटी होगी। एक स्किन इंसिजन प्लेस किया जाता है 1 सेंटीमीटर बिहाइंड रैमस ऑफ मैंडिबल, जो 1 सेंटीमीटर बिलो दी लोब ऑफ ईयर एक्सटेंड होगा टू दी एंगल ऑफ मैंडिबल, जो फेशिया और स्टर्नोमास्टॉइड मसल और पैरोटिड ग्लैंड मैसेट्रिक मसल ये सब पूरी जाएगा। ये सेपरेट करो, फिर एक्सपोज होता है पोस्टीरियर बॉर्डर में रैमस की। ठीक है, परफोरेशंस होंगे पोस्टीरियर फेशियल नर्व्स में जो, और इंजरी होगी मेन ट्रंक में फेशियल नर्व की, ये सब हमें अवॉइड करना है। एक बार जब पोस्टीरियर बॉर्डर को रैमस ऑफ मैंडिबल की एक्सपोज हो गई तो जो pterygomasseteric sling है वो इंसाइज करेंगे कहाँ पर, एंगल में और मैसेट्रिक मसल में। अब जो पैरोटिड ग्लैंड है वो अपवर्ड रिफ्लेक्ट करेंगे और लेटरली जाके एक्सपोज हो सके नेक ऑफ कॉन्डाइल। अब कंप्लीट सर्जिकल प्रोसीजर के बाद जो pterygomasseteric sling है वो रीअप्रॉक्सीमेटेड और सूचर किया जाएगा और वाउंड क्लोज हो जाएगा। अब प्री ऑरिकुलर अप्रोच देखें, मतलब कान के पहले की, तो ये सबसे बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच है। इसमें टीएमजे मेनी क्लिनिशियंस इसको मॉडिफाई करते हैं, बेसिक इंसिजन